सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो कल की क्लास में हमने मणिपुरी नृत्य के बारे में जाना था, जो कि एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। और हमने ये देखा था कि मणिपुरी नृत्य जो है भारत के पूर्वी छोर असम में प्रचलित है, मुख्य रूप से मोस्टली वहाँ पर ज़्यादा ये फेमस रहा है। उसके बाद हम आज भी हमारा टॉपिक वही है, मणिपुरी नृत्य ही है, मगर आज हम कुछ और नई चीज़ें पढ़ेंगे। कल मैंने आपके साथ एक इमेज शेयर किया था, जो इमेज थी डांस फॉर्म का एक मूव था, वो मणिपुरी नृत्य के डांस फॉर्म का एक मूव था, और उसका कॉस्ट्यूम और मेकअप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तो आज हम उसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेते हैं। मणिपुरी नृत्य में वेशभूषा बहुत आकर्षक होती है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका कॉस्ट्यूम और उनका मेकअप वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मणिपुर के प्रत्येक गाँव में कृष्ण राधा, कृष्ण बलराम और कृष्ण चैतन्य के मंदिर पाए जाते हैं। मणिपुर में जितने भी गाँव हैं वहाँ पर इन देवताओं के जो मंदिर हैं मोस्टली आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, किन किन देवताओं के? कृष्ण राधा, कृष्ण बलराम और कृष्ण चैतन्य। और एक रंगशाला भी रहती है जहां लास्य प्रधान मणिपुरी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इसका मतलब है कि एक उन मंदिरों के पास एक ऐसी जगह बनाई गई है जहां पे वहां के फेमस मणिपुरी नृत्य जो हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, जिसमें राधा संबंधी, अब राधा कृष्ण संबंधी जितने भी कहानी कथा कहानियाँ हुआ करते थे उनकी प्रमुखता प्रधानता है। इसका मतलब है कि वो ज़्यादा फेमस है, उसे ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं। ठीक है, रासलीला के तरह ही लाई हरोबा भी मणिपुर का एक प्रमुख नृत्य रहा है। रासलीला मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि रासलीला मणिपुर नृत्य की एक विशेषता रही है, जिसका प्रदर्शन हर एक फेस्टिवल में किया जाता था, जिसको रिप्रेजेंट हर एक फेस्टिवल में, पर्व में किया जाता था, उसका नाम क्या हुआ करता था? रासलीला। वो एक तरह का डांस फॉर्म है जिसमें वो स्टोरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, उसको प्रेजेंट करते हैं उस डांस फॉर्म के द्वारा। ठीक उसी तरह एक और है, जैसे रासलीला इम्पॉर्टेंट रहा है, वैसे लाई हरोबा, इसका नाम है लाई हरोबा, भी मणिपुर का डांस, जो मणिपुर की जो डांस फॉर्म है उसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट रहा है। ठीक है, रासलीला की तरह ही इसकी भी प्रधानता है, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मणिपुर का टॉपिक, मणिपुर नृत्य का टॉपिक आज हमारा एंड हो रहा है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।